राधे राधे। देवभूमि उत्तराखंड के 7000 फीट ऊंचाई पे हम लोग हैं, जहाँ की सांस लेने में भी वैसे तकलीफ़ होती थी मुझे। अब मैं बहुत अच्छा से इनके ट्रीटमेंट से, इनके आशीर्वाद से, इनके नेचुरोपैथी सेंटर पे दौड़ रही हूँ, विदाउट व्हीलचेयर चल रही हूँ, और ऐसा महसूस कर रही हूँ कि कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर एनवायरनमेंट है, इतना सुंदर ये परिवार है कि वसुंधरा कुटुंबकम वाली बात यहाँ याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में परिवार ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। मैं इतनी खुश हूँ कि वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। अभी मैं उत्तराखंड और रुकूंगी, एक हफ्ता मेरा है विचार यहाँ रुकने का। यहाँ के भोजन, यहाँ का जीरो जीरो मेडिसिन पे, मतलब विदाउट मेडिसिन के इन्होंने मेरा हार्ट बीट तेज कर दिया, जो 30% चल रहा था। जो अस्थमा मेरा इतना हाई लेवल पे था कि मैं पंप लेती थी, हर 2 मिनट में पंप लेती थी मैं, पंप मेरा छूट गया। न्यूमलाइजेशन मुझे करते थे, ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाती थी, वो मेरा एकदम ठीक हो गया। व्हील चेयर पर मैं चल सकती थी, व्हील चेयर के बिना चल रही हूँ। यहाँ की बच्चियाँ 8 जो थेरेपी करती है, वो बहुत ही ऐसी लगती है देव कन्याएं हैं। खुद जीएम साहब ऐसे लगते हैं जैसे कोई हमारे हमसे छोटे हैं, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे भी हमारे परम पिता हैं। वो दोनों डॉक्टर, डॉक्टर पुष्पा बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत ही अच्छा उनका पॉजिटिव सोच है डॉक्टर बलदेव की। उन्होंने मतलब इतना प्यार से मेरा ट्रीटमेंट किया है कि जो चीज़ मुझे विश्वास ही नहीं होती थी, वो यहाँ इन्होंने विश्वास प्रूफ करके दिलवाया। विश्वास एक बार आ जाता तो वो नहीं जाता है, यही बात है कि मेरा विश्वास यहाँ से कभी नहीं जाएगा, और मैं दवाई कभी नहीं लूँगी, और अपने व्हील पावर और इनके कहने के अनुसार मैं अपना ट्रीटमेंट लूँगी। दूसरा, ये जिस तरह से 140 करोड़ पब्लिक में बीच में चुन चुन के घर से बुला बुला के पेशेंटों को लेके आते हैं, और ऐसे ऐसे स्फूर्ति उनमें भर देते हैं कि जीने की तमन्ना अपने आप मन जवान हो जाता है। बचपन निखरा, ऐसा लगता है बुढ़ापे में भी हमारा बचपन आ गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वादियाँ वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड की बहुत ही चमत्कारी, और यहाँ के लोग बहुत ही सीधे सादे और सच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। इन संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद।